हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद गिरजा। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है रो पपाया कोफ्ता करी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कच्चा पपीता लिया हुआ है, इसको पेल करके अच्छी तरह से साफ कर लिया, सारा छिलका इसका निकाल दिया है। इसको अभी हम ग्रेट करेंगे। यहाँ पर मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ लिया है टर्मरिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा हींग, जीरा, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटा हुआ, और ये है टोमेटो और काजू का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए रेडी कर लेते हैं। देखिए, पपाया हमने ग्रेट कर लिया था, इसको बाउल में डाल देंगे। और हमने यहां पर लिया है बेसन, जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, क्योंकि कच्चा बेसन डालने से कच्चा टेस्ट आता है, इसलिए मैं बेसन को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे। बेसन को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और थोड़ा बेसन डालेंगे। पपाया में अपना मॉइस्चर होता है, इसलिए हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अच्छी तरह से बेसन जो है ग्रेटेड पपाया में मिक्स हो गया है। चलिए अब इसमें सॉल्ट डालेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली और थोड़ा ऑनियन जो हमने बारीक काट के रखा हुआ था, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारा। ये रेडी है कोफ्ता बनाने के लिए। इससे हम छोटा छोटा कोफ्ता बना के इस तरह से इसको डीप फ्राई कर लेंगे। पहले हम इसे बना के रख लेते हैं, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम कोफ्ते को ड्रॉप कर देते हैं। ध्यान से कीजिए, फ्लेम को मीडियम पे रखना है, मीडियम से स्लो पे रखिए, क्योंकि कोफ्ता जो है उसे पकना भी है अंदर से। इसे अच्छी तरह से गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। जैसे एक साइड से हो जाता है, इसे पलटा देंगे हम लोग। इसे स्लो से मीडियम फ्लेम में फ्राई करना मत भूलिए, क्योंकि कोफ्ता जो है अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, एक साइड से अच्छे से हो रहा है, ये इसे हम फ्लिप कर देंगे। कोफ्ता अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो गया है। अब बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। हम यहाँ सेम पैन यूज़ कर रहे हैं, इसमें से एक्सेस जो ऑयल था वो सारा मैंने निकाल दिया। इसमें थोड़ा एक टेबलस्पून ऑयल है, देखिए। इसमें हम डालेंगे जीरा, हींग,
जैसे ही जीरा स्प्लटर हो जाता है इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तब थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज हो गया है, इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया है, इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसे हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो और काजू का पेस्ट। देखिए हो गया है, इसमें डाल देंगे टोमेटो काजू का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाना चाहिए, तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें ऐड करेंगे पानी। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, हमने इसमें पानी ऐड कर दिया था, इसमें देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। इसमें हम कोफ्ता ड्रॉप कर देंगे। देखिए अभी गैस को सिम पे करेंगे और इसे 5 मिनट तक इसी तरह से लिड लगा के बॉईल कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं कोफ्ते को पकते हुए, 5 मिनट हो गया है। देखिए बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो गया है, कोफ्ते भी जो है सॉफ्ट हो गया है। गैस को बंद कर देते हैं, इसमें थोड़ा धनिया पत्ती हम डालेंगे अभी और मिक्स कर देंगे। रेडी हो गया फ्रेंड्स, इसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से रेडी है रो पपाया कोफ्ता करी। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।